हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है हमसे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। हमें दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से लेकर 10 तक मुझे सॉल्व करना है और उन्हें किसी फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे होगा फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है देखिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात बता दें हम, अब कन्वर्ट किस में करना है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जेड इज इक्वल टू होता है ए प्लस आई बी। फर्स्ट पार्ट इसका होता है रियल पार्ट, क्या होता है रियल पार्ट, और ये सेकंड पार्ट होता है इसका इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट होता है ये। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका रियल पार्ट और सेकंड पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पार्ट होते हैं इनके। तो अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इस चीज़ में, इसी चीज़ में तो कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, अब देखिए 5 अपनी जगह, तो 5 इंटू और माइनस के 3i/5 ये वैल्यू आई है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 1i × माइनस के 3i, तो आंसर क्या है, माइनस के 3i². अब यहाँ बिकॉज लिख दीजिए, बिकॉज i² = होता है -1, ये इसकी वैल्यू होती है, i² = -1 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस के 3 × -1, तो क्या आ जाएगा 3, और 3 हमारा आंसर आ गया। अब ये तो आंसर आ गया, लेकिन इस आंसर के आने से कोई फायदा तो नहीं है, हमें कहा क्या है क्वेश्चन में कि ए प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करिए इसे, इसको कन्वर्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तभी हमारा आंसर सही है, लेकिन हाँ सही तो यहाँ तक भी है, लेकिन इसको पूरी तरह से सही नहीं मानेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जेड इज इक्वल टू क्या, ए प्लस आई बी, जेड प्लस ए प्लस आई बी, सॉरी जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब जेड इज इक्वल टू 3 तो 3, और प्लस के आई की वैल्यू तो कहीं है नहीं है, जहाँ अब ये 3 लिखा है, अब ये 5 लिखा है यहाँ, तो ए इज इक्वल टू ए होगा ना, तो 3 आ गया, तो 0i, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लिख दिया मैंने सुविधा के अनुसार आपके लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है i/9 और प्लस के i/19, ये क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे, अब कन्वर्ट किस में करना, ए प्लस आई बी की फॉर्म में मुझे लाना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लें, i + 18 i, इसे इवन फॉर्म में, मतलब इवन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें, ये ऑड में थे, हम इसे इवन में कर लें कन्वर्ट। ठीक है, तो इवन में हो गए अब ये, तो अब इसे और हम कर लेते हैं 2 की पावर, यहाँ कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तभी तो ये आएगा ना हमारी पावर, और i + ये प्लस के हो जाएंगे, यहाँ कर लेते हैं हम i/2 और यहाँ हो जाएंगे 9 × i। अभी मैंने क्यों किया पता है, आप सुविधा के अनुसार कर लिया, क्योंकि अब इससे थोड़ा करेंगे तो ऑड हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और यहाँ i² भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर मतलब -1 रख के उसकी वैल्यू को, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सरल कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई, इस चीज़ को क्या करेंगे, अब ये i² और i² यहाँ -1 पुट कर देते हैं, और 4 × i + -1 और 9 × i, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ क्या है? हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा 1, देखिए ये है -1, 1
और दो और तीन और चार, चार पॉइंट है ना, ये चार बार स्क्वायर है इसका ऐसे इस तरह से, तो मैंने चार पॉइंट लिख दीजिए। अब इस मान से ये मान से कट गया, इस मान से ये मान से कट गया, तो क्या आ गया, वन आ गया, वैसे भी तो वन ही आएगा ना। अब ये नहीं बात, ये नहीं मालूम कि माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो इस तरह से अब ये प्लस का वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ नाइन है, नाइन पॉइंट है, तो माइनस वन इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। कितने बार, एक दो तीन चार पाँच छः और सात और आठ और नौ, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये माइनस का वन बच गया, यहाँ माइनस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आई हो जाएगा, ठीक है, आई प्लस के और माइनस के आई, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब ये माइनस और वन ये है, वन ये है, ठीक है ना, तो इनसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना। यहाँ आई कर दो, यहाँ प्लस के और यहाँ माइनस के आई कर दो, इजिकल टू जीरो, तो यहाँ आई माइनस के आई इजिकल टू जीरो, ठीक है ना। अब क्या है, ये जीरो ही तो आ जाएगा, इससे ये काटोगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसे कन्वर्ट किस में करना है, जेड इजिकल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जीरो आया, अब जीरो यहाँ आई होता तो यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पर लिख देते, इमेजिनरी पॉइंट पॉइंट पर। अब ये रियल पॉइंट पर जाएगा, तो जेड इजिकल टू जीरो प्लस के जीरो आई, इस तरह से ये पॉइंट बनेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आए हैं ये दोनों क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।